हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड थ्रिलर क्राइम रोमांस मूवी को, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जिसका नाम है जेल बैट, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को देखकर मुझे काफ़ी हर्ट हुआ कि कैसे एक स्टेप फादर अपनी स्टेप सन के साथ रेप करने का ट्राई करता है और सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने स्टेप फादर को लात मारती है, जिससे वो जख्मी होकर मर जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है और जेल में उसके साथ टॉर्चर से और रेप किया जाता है। वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें चेलो बजाते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एना होता है, और तभी इसके स्टेप फादर आते हैं और इसको एक स्लैप करते हैं और इसके कपड़े उतार कर उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है, लेकिन एना उसको धक्का मार देती है और उसकी गर्दन में ग्लास घुस जाता है, जिससे वो मर जाता है। नेक्स्ट डे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एना जज से कहती है उसने मुझे छूने की कोशिश की थी और अनजाने में सेल्फ डिफेंस करते हुए यह हादसा हुआ। उसकी मॉम एना पर आरोप लगाती हैं, जिससे जज एना को 4 से 9 साल तक की सज़ा सुनाती है और उसे डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन में भेज दिया जाता है। जेल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ का इंचार्ज आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, और उसकी फाइल देखकर उन्हें उनके रूम में भेज देता है। एना की रूममेट होती है जिसका नाम जीनी होता है, जो ज़्यादा बात नहीं करती। उसी रात जब एना सो रही होती है तो जीनी उसे अपने बेड से देखकर मास्टर बूस्टिंग करने लगती है। अगले दिन एना ग्राउंड में जाती है और एक लड़की एना के पास आती है, उसका नाम कोडी होता है। कोडी एना से दोस्ती करना चाहती है लेकिन एना उससे दोस्ती नहीं करती। कोडी उसे धक्का दे देती है और एना को एक रूम में बंद करके उसका ग्रुप एना को खूब मारता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उसको मेडिसिन देती है। फ्रैंक एना को बुलाता है और उसे सेफ्टी देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो सेफ्टी के बदले एना के साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन एना उसे मना करके चली जाती है। एना अपने रूम में जाती है जहाँ जीनी होती है। जीनी एना को किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे एना ग्राउंड में जाती है, तभी उससे एक लड़की मिसबिहेव करती है, उसे मारने की धमकी देती है, इसलिए एना कोडी से दोस्ती करती है। एना की फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और फिर वो दोस्त बन जाते हैं। एना कोडी के रूम में जाती है और कोडी एना से उस लड़की को मारने को कहती है। कोडी उनकी फाइट को रिकॉर्ड करेगी। एना उस लड़की से लड़ने चली जाती है और उनकी लड़ाई होने लगती है। कोडी उनकी वीडियो बनाती है। एना को सज़ा मिलती है, उसे एक रूम में न्यूड करके बंद कर दिया जाता है जहाँ बहुत गर्मी होती है, और फिर से फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक उसे कहता है, अगर तुमने मेरे डिक को किस नहीं किया तो मैं तुम्हें उसी रूम में पूरा दिन बंद कर दूंगा। एना किस करने लगती है। एना फिर से कोडी के रूम में जाती है। कोडी उसे ड्रग्स पीना सिखा देती है। ड्रग्स पी के एना और कोडी रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। उन्हें इंटीमेट करते हुए देख कोडी की फ्रेंड देख लेती है और वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ग्राउंड में वो लड़की एना के साथ फिर से लड़ने लगती है और सारे ग्रुप की लड़ाई हो जाती है। पुलिस फिर से एना को इंचार्ज के पास ले जाती है। फ्रैंक उसे ड्रग्स पिलाता है और उसके साथ फिर से सेक्स करने लगता है। उसी दिन रूम में एना अपनी फ्रेंड मेड से लड़ाई करती है और फिर से उसे फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है। एना उससे कहती है कि तुम मेरा रेप करना चाहते हो। तभी एना कोडी के रूम में जाती है, ड्रग्स पीने लगती है और उसको ड्रग्स की आदत भी लग चुकी थी। फिर कोडी उसे ड्रग्स पिलाने को मना कर देती है। एना कुछ लड़कियों के पास जाती है जो ड्रग्स का इंजेक्शन लगाती हैं। एना उनसे इंजेक्शन लगवाती है। ये सब देखकर जीनी उससे बात नहीं करती। जब कोडी को पता लगता है तो वो उसे मना करती है, लेकिन एना नहीं मानती, और बाथरूम में नहाते वक्त वो लड़की एना को बहुत मारती है। एना जख्मी हो जाती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को उसके ड्रग्स के बारे में पता लग गया था और वो उसे समझाती है, लेकिन एना नहीं मानती। अगले दिन एना फिर से इंजेक्शन लेती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वो लड़कियां उसे बताती हैं अगर गड़बड़ हुई तो तुम्हें पागल वार्ड में भेज दिया जाएगा, और एनी नशे में पागल हो जाती है और अपने हाथ पर डैड लिखती है। अगले दिन एना फिर से इंजेक्शन लेती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ दिन ना लेने से एना खुद को संभाल नहीं पाती और जीनी उसे कहती है तुम्हें ड्रग्स काउंसलर से एडवाइस लेनी चाहिए। अगले दिन एना फिर से लड़ाई करने लगती है और उसे फिर से उसी रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी फ्रैंक आता है और उसे बाहर निकाल देता है, और कोडी आती है एना को एड्स का चेकअप कराने को बोलती है। इसके बाद एना और जीनी फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जीनी एना को इंजेक्शन लेने के लिए रोकती है, लेकिन एना खुद को रोक नहीं पाती। तभी कोडी उसको रोक लेती है
और उसे धक्का देकर पागल हो जाती है और अपने आप को मार जान से मारने का ट्राई करती है। तभी इंचार्ज आता है और ऐना को रोकता है और उसे सेक्स करने को बोलता है। ऐना उसे मना कर देती है। फ्रैंक उसे कई दिन तक रूम में बंद कर देता है। वो बहुत चिल्लाती है और इतनी गर्मी होने के कारण वो सह नहीं पाती। ऐना खाने की प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी एक वहीं से जाते हुए ऐना को बॉडी पर खून देखता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और ऐना के रूम में उसे मिलने के लिए आती है। वो बहुत रोती है और ऐना से माफ़ी मांगती है और उसे वहाँ से बाहर निकलवाने को कहती है। ऐना फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक उसे नशा करने को कहता है लेकिन वो मना कर देता है। ऐना कहती है तुमको मेरी बॉडी के साथ जो करना है वो करो। ऐना जीनी के साथ फिर से इंटीमेट होती है। नेक्स्ट डे कोडी ऐना से अपनी इंसल्ट का बदला लेती है। और अभी एक गार्ड ऐना को फ्रैंक के पास ले जाता है। फ्रैंक उसे अपने चेलो देता है। ऐना उसे बजा के दिखाती है। फ्रैंक उसकी बहुत तारीफ करता है। कोडी को यह सब पता लगता है तो वो ऐना के गाल को चाकू से काट देती है और ऐना डॉक्टर से हेल्प मांगती है। वो उसे फ्रैंक के बारे में बताती है और वो दोनों फ्रैंक को पकड़वाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन फ्रैंक को पता चल जाता है जो कुछ लड़कियां भेजकर डॉक्टर को बहुत मरवाता है और अगले दिन फ्रैंक कोडी को जान से मरवा देता है। ऐना ये सब देखकर बहुत डर जाती है। पुलिस उसे फ्रैंक के पास ले जाती है। फ्रैंक उसे बताता है कि डॉक्टर को कोडी ने मारा है। अगले दिन फंक्शन होता है और सभी लोग परफॉर्मेंस करते हैं। ऐना चेलो बजाती है। जब ऐना चेलो बजाती है तो सब लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फ्रैंक ऐना की तारीफ करता है और अपना चेलो ऐना को गिफ्ट कर देता है। फ्रैंक ऐना को वादा करता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूँगा। फ्रैंक ऐना को किस करता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। ये सारी बात ऐना जीनी को बताती है। जीनी कहती है कि फ्रैंक अपने वादा कभी नहीं निभाता, तुम्हारे जाने से उसका क्या फ़ायदा। ऐना कोडी के पास जाती है और फ्रैंक को फंसाने का प्लान बनाती है। कोडी उसे अपना वीडियो रिकॉर्डर देती है और उसे समझाती है। ऐना फ्रैंक के पास जाती है और जब ऐना और फ्रैंक इंटीमेट हो रहे थे ऐना फ्रैंक की वीडियो बना रही थी। फ्रैंक इंटीमेट होते जा रहा था और ऐना उसकी वीडियो बनाती जा रही थी। नेक्स्ट डे कमीशन के इंचार्ज आते हैं और ऐना से जेल के बारे में पूछते हैं। ऐना उनसे कहती है मुझे छोड़ दिया जाए। ऐना सभी के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और तभी इंचार्ज उसकी तारीफ करता है लेकिन फ्रैंक उसकी बुराई करता है। ये सुनकर इंचार्ज के लोग उसका टाइम ख़त्म कर देते हैं। तभी ऐना उन्हें फ्रैंक का वीडियो दिखाती है और ये सब देखकर वो हैरान रह जाते हैं और फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं। और सभी लड़कियां फ्रैंक को बहुत मारती हैं और इंचार्ज के लोग ऐना की सज़ा को माफ़ कर देते हैं और ऐना को जेल से रिहा कर देते हैं। वहीं जेल के बाहर वो अपनी माँ से गले मिलती है और हमें दिखाया जाता है कि ऐना चेलो बजा रही है। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक कमाल की मूवीज़ के साथ। अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।